24/7 लाइव सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों। बीजेपी मेरे जैसा कि मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक सम्मान के लिए उन्होंने कहा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया तो शायद पूंजीपति ना होने का कारण या जातिवाद की कह लें वो तो वही लोग जान सकते हैं, लेकिन वहाँ मेरा मानसिक मतलब मैं मानसिक रूप से मैं परेशान हो गई। ना ही मुझे ग्रुप में कभी जोड़ रहा है, ना ही मुझे कोई मेरे साथ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और फिर मेरे वार्ड में कोई भी देख सकता है कि जिनको भी टिकट दिया गया वो पूंजीपति। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे इस्तीफा लगा दिया और मैंने तुरंत कांग्रेस ज्वाइन किया, जिसमें कि अगर इनकी नीतियों को देखें, इनकी समझदारियों को देखें, तो हमारा जो पुराने कार्य थे या कहा जाए तो अभी जो दिखाया जाता है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस के अच्छे कार्य को हमें देखना है। कांग्रेस के इस टाइम में गैस सिलेंडर का क्या रेट था, 500 से आज हम 1150-1200 दे रहे हैं। आज बगल बगल आंगनबाड़ियाँ थी हमारे ही क्षेत्र में थी, कहीं और की बात मैं नहीं बता रही हूँ, अपने क्षेत्र की बात बता रही हूँ। मेरे ही क्षेत्र में आंगनबाड़ी थी जो कि बंद कर दिया गया, नहीं चल रही है सामने, जो कि शिक्षा का मूल होता है। अगर वो मूलता देखें तो वहाँ से बच्चे पढ़कर आगे की श्रेणी में जाते हैं, जो कि नहीं हो रहा है, वो बंद हो गई। हमारे अभी तो मैं सभासद की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं क्षेत्रीय समस्याओं को भी मैं देखती हूँ, और जहाँ तक कि मेरे यहाँ वार्ड में देख रही हूँ कि एक ही सभासद को लगातार कई सालों से हैं, और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, और हर समस्याओं को लेकर फिर इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, जो कि मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं सिर्फ सोशल वर्कर हूँ, और आज भी मैं सोशल वर्कर हूँ और रहूँगी आगे भी, क्योंकि सामाजिक कार्य करना और पॉलिटिकल, जैसे कि लोग कहते हैं वो पॉलिटिकल तो नहीं मैं बन पाऊँगी, लेकिन जनसेवक ज़रूर रहूँगी, क्योंकि 24 घंटे मेरे अंदर रहती है कि मैं कितनी जनसेवा किसकी करूँ, और कोई भी कार्य के लिए मेरे पास कोई भी कभी भी आता है तो मैं करने में जो कार्य को सक्षम होती हूँ उसको तुरंत करना पड़ेगा। मैं पूनम यादव वार्ड नंबर 94 से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हूँ। आप सबसे आशीर्वाद के रूप में बस निवेदन करेंगी कि इस बार बेटी को जिताएं, और जैसा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कार्य कर रही है और बेटियों को लड़ने का एक जज्बा प्रदान करती है हमारी प्रियंका जी और राहुल भाई हमारे, तो हमें भी उसी से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए हमें बढ़ाएं और हमें जीत का आशीर्वाद दें और आगे हम कार्य को करते रहें, इसलिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बेटी बेटी को बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीजेपी देती है वो हम लोग उसको साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो साबित नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बता रहे हैं, बस एक जैसे कहा जाए जुमलों की सरकार है, तो वही सत्य है।